गाइस, आई एम नम्रता। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है एक मिनी रिव्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक प्रोडक्ट का रिव्यू, वो भी कम से कम टाइम में। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्विस ब्यूटी के लिप ग्लॉस का रिव्यू। ये है ग्लॉस में लिप ग्लॉस और ये अभी थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुआ है, क्योंकि मैंने इसके इतने ज्यादा रिव्यूज भी नहीं देखे यूट्यूब पे, मुझे कहीं भी इतना ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पता लगा। तो मैंने सोचा मुझे ट्राई करना चाहिए। आजकल लिप ग्लॉस बहुत ही ज्यादा इन है फिर से। पहले बीच में बहुत ज्यादा मैट लिपस्टिक्स ये वो चलने लग गया था, बट अभी मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ तो जितने भी अगर आप अच्छे अच्छे हाई एंड मॉडल्स को देखोगे तो उनके जो लिप्स हैं फिर से ग्लॉसी लगने लग गए। तो मैंने सोचा एक अच्छा सा ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस ले लें, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस होते हैं वो ज्यादातर सारे लिप ग्लॉस मतलब सारे लिपस्टिक्स के ऊपर आप इन्हें यूज कर सकते हैं एंड किसी भी लिपस्टिक को आप बहुत ही अच्छे से ग्लॉसी बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी था। सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। साथ में दिए गए बेल बटन पर प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि मेरी ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाएंगी। मैं एवरी ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे वीडियोस अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच जाएंगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में, फिर हम देखेंगे लिप्स पे अप्लाई करके और देखेंगे कि ये स्टिकी है या नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है। तो अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो स्विस ब्यूटी के हर एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इससे पहले मैंने इसके लिक्विड आई शेडोज ट्राई किए हैं और सिंगल जो पैलेट आई शेडोज की आती है ओनली 199 में, उसके भी रिव्यू किए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी पैलेट्स हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप डेफिनेटली उन्हें ट्राई कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की बात की जाए तो ये क्लियर कलर की पैकेजिंग में आता है, प्लास्टिक पैकेजिंग है और इसमें ऊपर सिल्वर कलर की कैप है जो बहुत ही ज्यादा लग्जरी लगती है। इसका जो प्राइस है आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे, ओनली ₹4.99 में आपको ये मिल जाएगा एंड मुझे इसके ऊपर भी डिस्काउंट मिला है। मुझे मिल गया था ये ₹169 का। सो इसका जो लिंक होगा वो Amazon का, purple.com का और Nykaa का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको जहां से भी सबसे ज्यादा अफोर्डेबल मिले आप वहां से परचेस कर सकते हैं। सो अब हम करते हैं इसका टेस्ट, क्योंकि इससे ज्यादा बताने के लिए इसमें कुछ नहीं है। एक और चीज मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका वॉन्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके का वॉन्ड है तो एप्लीकेटर इसका अच्छा है, आप इजिली अपने लिप्स पे इसे लगा सकते हैं लिपस्टिक और कॉर्नर्स में भी फिल कर सकते हैं। तो अब हम इसका टेस्ट करते हैं, लिप्स पे अप्लाई करते हैं और मैं आपको हैंड वॉश भी दिखाती हूँ कि कैसा लगता है और आपके लिप्स के लिए अच्छा है या नहीं है। सो अब सबसे पहले मैं आपको इसे हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो मैंने सिर्फ अभी ये एक बार ही डिप किया हुआ है एंड ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है और बहुत ही इजीली एक बारी में ग्लाइड कर जाता है, बिल्कुल भी स्टिकी अभी तो मुझे नहीं लगा है। इजीली अप्लाई हो जाता है, जैसे आप बहुत ही इजीली कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई हो रहा, तो मुझे अच्छा लगा। अब सबसे पहले मैंने अपने लिप्स पे एक लिपस्टिक अप्लाई की हुई है, एक न्यूड लिपस्टिक अप्लाई की हुई है, जिससे कि मैं ट्राई करना चाहती थी कि उसको कैसा इफेक्ट देता है। तो अब सबसे पहले मैं आपके सामने आपको लाइव अप्लाई करके दिखाती हूँ कि लिप्स पे इजीली अप्लाई होता है या नहीं होता है, फिर हम देखेंगे कि स्टिकी है या नहीं है। सो एक बार ही डिप किया हुआ है तो देखने में मुझे बहुत ही इजी लग रहा है, जैसे मैंने बहुत ही इजीली अप्लाई कर लिया और डेफिनेटली बिल्कुल भी टफ टास्क नहीं लगा कि बहुत ज्यादा मुझे ऐसे टाइटली ऐसे इधर उधर ग्लाइड करना पड़ा। बहुत ही इजीली ग्लाइड हो गया एंड इजीली अप्लाई हो जाता है और मेरे हिसाब से तो एक बार ही डिप में आपके दोनों लिप्स अच्छे से फिल हो जाएंगे। मैंने फिर भी इसे दो बार डिप किया है। अगर बात करें कि स्टिकी है या नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ वाटर जैसा सा आपने अपने लिप्स पे अप्लाई किया एंड थोड़ी देर में ये एकदम से गायब हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। मुझे ये कल रिसीव हो गया था सुबह, तो जैसे मुझे रिसीव हुआ फटाफट मैंने खोल के इसे अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया था एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसे सुबह आई थिंक 11:30 बजे अप्लाई किया था।
3:30 बजे तक ये बिल्कुल वैसा ही था जिसमें मैंने थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स वगैरह भी खा लिए थे, तो ये बिल्कुल भी इजीली रिमूव भी नहीं होने वाला है क्योंकि थोड़ा सा अलग जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है ये उसको आपके आपके लिप्स पे एकदम स्टिक करके रखती है, और जबकि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता है। तो उसका फॉर्मूला पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, कहीं से भी आपको स्टिकी नहीं लगेगा। सो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप कभी भी ऐसा कोई लेना चाहते हो ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस, तो ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और स्टिकी भी नहीं लगेगा। और इस टाइम पे लिप ग्लॉस बहुत ही ज्यादा इन है, मैंने बहुत लोगों को बहुत अच्छे अच्छे जो मॉडल्स है उनको भी अप्लाई किए हुए देखा है, तभी मैंने सोचा कि इस टाइम लिप ग्लॉस मुझे जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस में ये एक बहुत ही अच्छी डील है, आपको डेफिनेटली इसे परचेज करना चाहिए। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई होप आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया, तो अगर आपको परचेज करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे को मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और किसी प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम देना जिससे कि मैं अच्छे से उन प्रोडक्ट्स को ट्राई करके आपके लिए जेन्युइनली रिव्यू ला सकूं। सो मैं अब आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।